नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं 10 वीडियो बनाने वाला हूं। वो 10 वीडियो में से ये हमारी वीडियो नंबर 2 है, तो आप 10 वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करने नहीं जाते हैं ट्रेडिंग में, एक बार अगर आपने लॉस ले लिया, बड़ा लॉस ले लिया, तो कभी आप इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मार्केट आपको रहने ही नहीं देगा, मार्केट यहां पे आपको रुकने ही नहीं देगा, मार्केट यहां से आपको भगा देगा, तुरंत भगाता रहेगा। आप जितनी बार जिद से आओगे, अपनी जिद से आओगे यहां पे, उतनी बार मार्केट आपको भगाता जाएगा। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की समाधान नहीं, उसकी समस्या को ढूंढ रहे। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ट्रेडर क्या करता है, वो अपना मतलब उसका समाधान, उसका सोल्यूशन ढूंढते रहता है। भाई मेरे, सोल्यूशन ढूंढने से पहले आप उसका समस्या तो ढूंढ लो। आपकी समस्या है क्या, ट्रेडिंग में क्या समस्या है पहले उसको तो आप ढूंढो। तो हम समस्या ढूंढते ही नहीं है, समस्याओं से तो हम दूर दूर तक किनारे रहते हैं। समस्याएँ आनी नहीं चाहिए हमारे पास में। हमारे पास समस्या आती है तो हम उससे किनारे किनारे से बच के निकलना चाहते हैं। उसका समाधान क्या है वो हम समाधान डायरेक्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन समस्या हम नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई समस्या हो। कोई समस्या आ गई तो हम उसे मुंह छुपा के भागते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपके पास समस्या है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो पहले आपके ट्रेडिंग में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप उसको ढूंढना स्टार्ट कर दो। जब तक आप उन समस्याओं को नहीं ढूंढोगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर यहां पे नहीं बन सकते हो। देखिए, उसी तरह से है, उसी तरह से काम करेगा ये। जिस तरह से मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं हमारा पेट दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, कुछ चीज़ें हम डॉक्टर को बोल देते हैं, हमने ये बता दिया डॉक्टर को। अब डॉक्टर क्या कर रहा, उस समस्याओं को अच्छी तरह से ढूंढेगा। मतलब वो हमारा अगर हमारे पेट में दर्द है तो वो कुछ सोनोग्राफी करेगा, या फिर हमारे हाथ में दर्द है तो वो कुछ एक्सरे निकालेंगे। तो वो उसका समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जा रहा है। अब पहले उन्होंने समस्या ढूंढनी है, पहले उन्होंने समस्या ढूंढनी है कि आखिर ये हाथ में दर्द तो हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है, उसके पीछे वो जा रहे हैं। ना कि हाथ में दर्द हो रहा तो आपको इंजेक्शन लगा दिया, चलो ठीक हो जाएगा। ये टेम्परेरी हो सकता है, आज और कल के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए वो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते, डॉक्टर क्या करता है, हमारी उस समस्या को ढूंढता है कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा। तो उस समस्या को निकालने के बाद में फिर वो उसका समाधान ढूंढता है, ये किस तरह की समस्या है, तो उसका समाधान भी उसी तरह से निकलेगा। हर समस्या का अलग अलग समाधान होता है। तो सबसे पहले हम समस्या को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यानी ट्रेडिंग में हमारे पास क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही, हमें उसको ढूंढना है। अब देखिए, हमारे जो निजी जीवन में चल रहे उसी चीज़ों का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब डॉक्टर को हमने देख लिया, मान लीजिए हमारा पीसी खराब हो गया, हमारे पीसी में स्क्रीन नहीं आ रही, तो समाधान तो ये है कि इसकी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन लगा, लेकिन उसके पीछे समस्या, अंदर की समस्या उसकी देखनी है कि क्या समस्या क्या उत्पन्न हुई, आखिर स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले क्वेश्चन क्यों से करना है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन चालू क्यों नहीं हो रहा, आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। आप अगर जब क्यों से क्वेश्चन करने लगेंगे ना, तब आपको उसका समाधान ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको समाधान उसका आप ढूंढने लगेंगे। दरअसल आप लोगों को क्यों पूछते ही नहीं हो, अपने आप से पूछते नहीं हो कि मेरी लॉसेस क्यों हो रहे हैं। शायद आप जान के भी वो पूछना नहीं चाहते, क्योंकि लगता है कि आप लोग को उससे आपका ईगो हर्ट हो जाता है। आप लोग उससे ईगो हर्ट होता है आप लोग का, कि नहीं यार मुझे लॉस नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है अपने लॉस के बारे में, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। देखिए, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, अगर आपसे एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप उसको बताओ, वो आपको शायद उसका समाधान बताएगा, आपकी समस्या को समझ कर उसका समाधान बताया जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या होता, हम समस्याओं को समझने ही नहीं चाहते, हम समस्याएं यहाँ पे दिखते नहीं है, हमें सिर्फ समाधान चाहिए। वो कहीं से मिल जाए, गूगल से मिल जाए, यूट्यूब से मिल जाए, किसी बुक से मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए ट्रेडिंग में कि जिससे हम जैकपॉट मिल जाए। जैकपॉट के नाम से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जैकपॉट मिल गया। सर, जैकपॉट बनने के लिए उसकी समस्याओं, आपकी समस्या क्या है, शायद वो आपको सूट ही ना करे। अलग अलग दवाएं अलग अलग मरीज के लिए, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवाएं हैं, शायद वो दवा आपको सूट ही ना करे। देखिए, यहां पर जैकपॉट का मतलब हो गया कि आप अपने समस्याओं को ढूंढो। आपके पास ट्रेडिंग में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप उसको पहले ढूंढो, उसके हिसाब से आप देखिए। एक मामूली सा प्लंबर आता है, हमारे घर में कुछ पानी वानी प्रॉब्लम हो गई, तो वो आता है तो उस पाइप में समस्या पहले ढूंढता है, उसके बाद में उसका समाधान ढूंढ के निकालेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम ट्रेडिंग में सबसे पहले समस्या ढूंढेंगे कि हमारे पास समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, हम ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है। अब उस क्यों को क्या करना है, आपको देखिए यहाँ समस्या आपको पता है। अब समस्याएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहली समस्या ये हो गई कि हमारे पास टाइम नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जब सर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग कर कैसे सकते हो। सबसे पहली समस्या तो ये उत्पन्न हो गई कि आपके पास ट्रेडिंग का, अगर किसी के पास ये समस्या है तो सबसे पहली समस्या है कि किसी के पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो, आपकी मेन समस्या का
समाधान हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आप टाइम निकालो, आपके पास अगर एक घंटे टाइम है तो उस एक घंटे में ही आप जो करना है करो, उसके बाद आप मार्केट से बिल्कुल दूर हो जाओ। मार्केट से आप उसी तरह से दूर हो जाओ कि मुझे मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरी समस्या लोग आते हैं, लोग मेरे पास सर नॉलेज नहीं है, मतलब मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि करना कैसे है, लेकिन फिर भी करना है, मुझे ये पता है कि मुझे नहीं पता है, वो चीज़ें हम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, या हमें बाइक ड्राइव करना नहीं आता है, अब बाइक पे बैठ जाने से हम बाइक ड्राइव नहीं कर लेंगे, तो टर्मिनल पे बैठ जाने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे, या टर्मिनल अकाउंट में आपने 1 लाख रुपये डाल दिए तो इससे आप ट्रेडर बिल्कुल नहीं बनने वाले हो। आप ट्रेडर बनने के लिए आप पूरे उसको मार्केट का ज्ञान तो लो, आपको ज्ञान आपका नॉलेज तो होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है, क्यों करनी है, अगर कोई स्टॉक ये खरीदना है तो मुझे खरीदना क्यों है, सबसे पहले तो उसका कारण ढूंढो कि मुझे खरीदना क्या है, इसमें ऐसा क्या है इस स्टॉक में जो आप इसको खरीदना चाहते हैं, आप इस पे इतने क्यों एग्रेसिव है कि इस स्टॉक को खरीदना है, तो उसका कारण आपने मिल गया कि हमें क्यों खरीदना है। आपको कोई चार्ट पैटर्न, आप कोई मूविंग एवरेज, जो भी चीजें आप फॉलो करते हैं, इंडिकेटर फॉलो करते हैं, कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप जो भी चीज फॉलो करते हैं कम से कम उस चीज में वो फिट तो बैठे, वो स्टॉक अगर आपको बाइंग भी करना है तो वो फिट तो बैठे। दूसरी समस्या यही है लोगों की कि क्यों बाइंग करना है उन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है, उन्होंने बाइंग कर लिया, एक समस्या ये दूसरी हो गई। तीसरी समस्या ये हो गई, बाइंग तो कर लिया, अब बाइंग करने के बाद वो रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, ये तीसरे ट्रेडर की समस्या है। तीसरे टाइप का ट्रेडर इस तरह से करेगा कि वो बाइंग कर लेगा और बाइंग करने के बाद वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है कि यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, इसका सपोर्ट कहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो दोस्त बाइंग करने से पहले यानी मर्ज की दवा लेने से पहले आप उसके मर्ज को समझ लो कि हमें क्या करना, हमें ट्रेड लेना है तो उसके पहले आपने जो भी रेजिस्टेंस या जो भी सपोर्ट है या जो भी आपकी एनालिस्ट है उसके पहले कर लो उस स्टॉक में। ट्रेड लेने के बाद में कभी भी एनालिस्ट मत बनो, ट्रेड लेने के बाद में सिर्फ अपना लेवल ध्यान में रखो कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है और मुझे लॉस कहां पे बुक करना है, बीच की कोई थ्योरी आप ट्रेड लेने के बाद मत करो। चौथी समस्या ये हो गई कि ट्रेड लोग ले भी लेते हैं और प्रॉफिट भी मिलता है फिर भी वो निकलते नहीं है, वो निकलते क्यों नहीं है, अब वो लालची। तीसरी समस्या ये, चौथी समस्या हमारे पास क्या है कि हम लालची हैं, और जैसे कि मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि यहां अगर आप लालची हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो जितना जरूरत है उतनी लेके निकल जाए। अगर आपको 2000 की, अगर आपने पहले से गोल बना के रखा हुआ है कि पर डे मुझे 500 चाहिए, प्रैक्टिकली गोल होना चाहिए, प्रैक्टिकली गोल होना चाहिए, गोल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रातों रात अमीर बनने का आपको, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि मैंने जो गोल बनाया है अगर वो गोल अचीव हो रहा तो आप वहां से निकलो, आप वहां से हट जाओ। पांचवी समस्या लोगों में ये होती है कि नहीं आज ही मुझे सब कुछ लेके जाना है, आज ही मुझे पूरा लेके जाना है, मार्केट में हाई प्राइस पे मुझे ही निकलना है और लो प्राइस पे मुझे बाइंग करना है, लो प्राइस पे बाइंग करना है, हाई प्राइस पे निकलने वाला है, निकलना है मुझे। तो ये तो आप लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे, शायद कोई एक्सीडेंट एक आध ट्रेड हो भी गया कि आप नीचे पकड़ो और ऊपर निकल जाओ, लेकिन ये चीज़ें होगा नहीं। तो आप कभी भी इस चीज़ों को तो ढूंढे ही मत, आप उस देखो अपने पैटर्न को आप फॉलो करो, हाई और लो से आपको क्या लेना देना है, जब हमें 2 रुपये 4 रुपये या 5 रुपये लेना, अगर आप ट्रेडर हो तो छोटे प्रॉफिट लो और छोटे लॉस लो, छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओ तो लॉस भी छोटे ही लेके जाओ। यहाँ पे तो हम प्रॉफिट तो छोटा लेके शायद निकल भी गए 3-4 दिन, लेकिन जिस दिन हमें लॉस लिया उस दिन इतना बड़ा हमने लॉस ले लिया कि शायद वो 4 दिन का प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। तो पांचवी टाइप की समस्या हमारे पास ये उत्पन्न होकर आ रही, जो कि पांचवी समस्या है वो समस्या ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक ही नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग प्रॉफिट को ओपन करके देखते हैं। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं, उन्होंने ट्रेड ले लिया, एक टारगेट लगा दिया कि 150 का, उन्होंने ट्रेड लिया 142 पे, टारगेट लगा दिया 150 और स्टॉक्स 149 तक जाके आ जाता है, वो प्रॉफिट बुक ही नहीं करते हैं। दरअसल प्रॉफिट लेना ही नहीं आता आप लोग को, प्रॉफिट लेना ही नहीं आप लोग को, सिर्फ प्रॉफिट देखना आता है। तो प्रॉफिट देखने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा सबसे पहले बात तो आपको प्रॉफिट को कैच करना सीखो, प्रॉफिट को पकड़ना सीखो, प्रॉफिट को चोरी से भाग जाना सीखो। देखो जैसा कि बहुत सारी वीडियो मैं भी बोलता हूं कि हम चोर हैं यहां पे, ठीक है ना, हम चोर हैं, हम दूसरे का पैसा ही चुरा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम किसी ना किसी का पैसा चुरा के भाग रहे हैं यहां से। तो आप हमसे बड़े भी चोर हैं, वो लोग हमारे पैसे पे नजर उनकी है, तो आप ध्यान रखो उनको चोरी करने से पहले आप अपना जो माल आपने समेटा है वो लेके भाग जाओ यहां से, नहीं तो दूसरे चोर आपको वेट कर रहे हैं, आपके आपका सामान चोरी करने के लिए वो वेट कर रहे हैं, आपका पैसा चुराने में उनको टाइम नहीं लगेगा। फिर तो आपको जो मिला, अगर आप संतुष्ट हो कि आप मुझे 1000 मिल गया, 500 मिल गया, 2000 मिल गया, तो आप संतुष्ट होना सीख लो, मार्केट पे अफसोस कभी मत करो। एक ट्रेडर इस टाइप के होते हैं कि जिन्होंने क्या किया, मार्केट जैसे माल लिया उन्होंने, हमने लिया 142 पे, हम निकल गए 144 पे और स्टॉक चला गया 150। अब हम उसको क्या करते हैं, दिन भर उसमें अफसोस में जिंदा रहते हैं, हम
हो गया, वो जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन हम अफसोस में, अरे यार मैंने 3000 क्वांटिटी ली थी, मैंने 2 रुपये में निकल गया, मैं 6000 मिला, अगर मैंने लास्ट तक रुका होता तो आज मुझे 20000 रुपये मिलते। तो इसी ट्रेड में वो सारे दिन जिंदा रहते हैं, और जब अगले दिन ट्रेड लेते हैं तो ये सारी दरिया दिल्ली उसी दिन खत्म हो जाती है। उस दिन भी वो 6 रुपये के माइंड सेट पर बैठे रहते कि आज तो मैं निकलूंगा नहीं, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं 2000 लेके नहीं निकलने वाला हूँ, आज तो मैं पूरा 20000 लेके ही निकल लूंगा। तो क्या होता है, जो मार्केट आपको 2000 जो आपने डिसाइड किया मार्केट आपको वो देता रहता है ना, तो आप वो भी नहीं लेते हो, क्योंकि आपको वो अब कम लगने लगता है। क्यों? कि हम पिछले ट्रेड से कंपेयर करके देख रहे हैं कि पिछले ट्रेड में मुझे 20000 का प्रॉफिट होता अगर मैं नहीं निकला होता तो। तो आज हमारा माइंडसेट क्या बन गया कि हम भी 20000 का प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। उसके चक्कर में क्या होता है, हमने कल प्रॉफिट लिया था छोटा सा, आज भी हमें वो प्रॉफिट हो रहा था लेकिन हमने वो प्रॉफिट लिया नहीं और आज हमने लॉस बड़ा ले लिया। हर दिन ट्रेड एक जैसा नहीं होता है। तो आप अपने पेट को देखो, अगर आपका पेट 2 रोटी में भरता है तो आप 2 रोटी खाओ और 2 रोटी खा के यहाँ से निकल जाओ। आप पूरे 20 रोटी को क्यों देख रहे हो कि अगला 20 खा रहा, वो 25 खा रहा, वो 50 खा रहा? सर उसका जितना बड़ा पेट है वो उतना खा रहा। आपका पेट 2000 रुपये का, तो आपको 2000 मिल गया तो आप हट जाओ। सारे दिन मार्केट को ट्रेड करना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सारे दिन मार्केट को यहाँ पे देखते रहो। और एक चीज और है, सारे दिन मार्केट को ट्रेड करने वाले या सारे दिन स्क्रीन पे बैठने वाले हमेशा लॉस ही लेंगे। अगर आप सारे दिन स्क्रीन पे आदी हो चुके हैं स्क्रीन पे बैठने का, तो स्क्रीन आपको छोड़ने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपको ट्रेड हर समय देती रहेगी और उसकी वजह से आप हमेशा लॉस करोगे। तो देखो ये हमारी समस्याएं हैं। अब इसके बारे में, इस समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके बोर्ड पे दिखा के बताऊंगा कि इन समस्याओं का आपको समाधान करना कैसे है। ये मेन समस्या है, अब इसका समाधान हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको अपनी समस्याएं, यानी जो भी ट्रेडिंग की समस्याएं हैं, उसको आप एक पेपर और एक नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। उस पे नोटबुक में लिखो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो, कमेंट करके आप बता दो, तो फिर मैं उस चीज का आपको समाधान बताऊंगा। यानी इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपकी ट्रेडिंग में क्या समस्या हो रही है, आपकी मेन समस्या क्या है। वो समस्या अगर आप समझते हैं तो वो लिख के यहां पे भेजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उसके समाधान और उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसकी हमारी 10 वीडियो आने वाली है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, 10 वीडियो आएगी। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।